नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा लामरू, सहायक आचार्य इतिहास राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से। आज का विषय है जर्मनी व इटली के एकीकरण की तुलना। विद्यार्थियों, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा पहले के वीडियोस में की जा चुकी है, तो इस वीडियो में हम जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या-क्या समानताएं थी और दोनों के एकीकरण में क्या असमानताएं थी उस पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले जर्मनी और इटली के एकीकरण में जो समानताएं थी उसके बारे में हम जानेंगे। इटली और जर्मनी दोनों देशों का एकीकरण 19वीं शताब्दी में लगभग एक साथ 1870 तथा 1871 में हुआ। इटली और जर्मनी दोनों ही देश एकीकरण से पूर्व अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे और इन राज्यों में एकता का सर्वथा अभाव था। जर्मनी और इटली दोनों देशों की अधिकांश जनता अपने अपने देशों में राष्ट्रीय एकीकरण की इच्छुक थी। दोनों ही देशों पर फ्रांस की राज्य क्रांति जो कि 1789 में हुई थी का प्रभाव पड़ा। दोनों ही देशों पर नेपोलियन बोनापार्ट की विजय तथा उसके साम्राज्य विस्तार द्वारा दोनों देशों में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ और उसने दोनों देशों में एक जैसी शासन पद्धति का निर्माण किया और असमानता को समाप्त कर एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। 1815 में हुई वियना कांग्रेस ने दोनों देशों की राजनीतिक एकता को पुनः छिन्न-भिन्न कर दिया था। दोनों ही देशों की राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया था और दोनों ही देशों ने ऑस्ट्रिया को पराजित करके राष्ट्रीयता का के आधार पर एकीकरण का कार्य संपन्न किया। दोनों ही देशों पर फ्रांस की 1830 और 1848 की क्रांतियों का प्रभाव पड़ा, लेकिन इन क्रांतियों से प्रभावित होकर दोनों देशों के देशभक्तों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता और एकता के लिए प्रयास किए, लेकिन उनको विशेष सफलता नहीं मिली। दोनों देशों में राष्ट्रीय एकीकरण का महान कार्य फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के पतन के बाद ही पूर्ण हो सका। दोनों ही देशों में प्रमुख राज्यों के प्रधानमंत्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां इटली में सार्डिनिया पिडमोंट के प्रधानमंत्री कैवून ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वहीं दूसरी ओर जर्मनी में प्रशा का चांसलर जो था बिस्मार्क, उसने जर्मनी के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार की कुछ समानताएं थी जर्मनी और इटली के एकीकरण में। अब हम असमानताओं की चर्चा करेंगे। इटली के एकीकरण का कार्य जर्मनी की तुलना में अधिक कठिन था क्योंकि इटली जर्मनी की तुलना में अधिक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था जिनमें बिल्कुल भी संगठन नहीं था। इनमें से अनेक राज्यों पर विदेशी शासन कर रहे थे। इटली में एक धार्मिक शक्ति के रूप में पोप मौजूद था। पोप का इटली के बहुत बड़े भाग रोम पर अधिकार था। यूरोप की कैथोलिक जनता तथा कैथोलिकों के प्रति सहानुभूति रखने वाले यूरोपीय राज्यों पर पोप का विशेष प्रभाव था। वह अपनी सत्ता को पृथक रूप से बनाए रखने का इच्छुक था और पोप भी इटली के एकीकरण में एक बहुत बड़ी और सशक्त बाधा था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना 1 अगस्त 1806 में करके जर्मनी के एकीकरण की नींव रख दी थी और 1815 में मेटरनिक ने जर्मनी राज्यों की संख्या 39 कर दी, लेकिन उन्हें एक ढीले ढाले संघ में बांधकर ऑस्ट्रिया स्वयं उसका अध्यक्ष बन गया था। और 1834 में जोलरीन नामक आर्थिक संघ के माध्यम से जर्मन राज्यों में आर्थिक एकता की स्थापना हो चुकी थी। अतः स्पष्ट है कि जर्मनी के एकीकरण की भावना जर्मनी में पहले से ही विद्यमान थी।
इटली के एकीकरण का कार्य सार्डिनिया पिडमोंट ने किया, जो कि एक कमजोर राज्य था, जबकि जर्मनी में यह कार्य प्रशा के नेतृत्व में हुआ, जबकि प्रशा का राज्य एक शक्तिशाली राज्य था और इस कारण से प्रशा को अन्य देशों की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। केवल उसे इस बात की जरूरत थी कि विदेशी शक्तियां एकीकरण का जब वह कार्य करें तो उसमें वह बाधक ना बने। इटली में सार्डिनिया पिडमोंट को छोड़कर अधिकांश भाग पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, जबकि जर्मनी में ऑस्ट्रिया जर्मन संघ का औपचारिक अध्यक्ष था। ऐसी स्थिति में इटली को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अधिक संघर्ष करना पड़ा। कैवूर का दृष्टिकोण बिस्मार्क की तुलना में अधिक विस्तृत था। वह स्वयं को पहले इटली का निवासी मानता था और बाद में पिडमोंट सार्डिनिया का निवासी मानता था, जबकि बिस्मार्क स्वयं को पहले प्रशा का निवासी तथा बाद में जर्मनी का निवासी मानता था। कैवूर ने इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमोंट के अस्तित्व की अधिक चिंता नहीं की थी और एकीकरण के कार्य को पूरा करने के लिए सार्डिनिया पिडमोंट को इटली में शामिल कर लिया था, जबकि बिस्मार्क ने प्रशा को शेष जर्मनी से अधिक महत्व दिया। उसने जर्मनी के अन्य राज्यों को प्रशा में मिलाकर एकीकरण का कार्य पूर्ण किया। कैवूर को शक्ति, सेना या तलवार की अपेक्षा राष्ट्रीयता या उदारवाद पर अधिक विश्वास था, जबकि बिस्मार्क मानता था कि जर्मनी का एकीकरण केवल रक्त तथा तलवार की नीतियों द्वारा ही संभव है, इसलिए उसने रक्त और लोहे की नीति का अनुसरण किया। बिस्मार्क की एकीकरण का कार्य संपन्न करने में किसी से उसे सहयोग नहीं मिला। उसने कई मामलों में प्रशा की संसद की, जो निम्न सदन की भी परवाह नहीं की। इसके विपरीत कैवूर ने अधिक राज्यों में जनमत कराकर उनके विलय की सहमति प्राप्त की और विभिन्न इटली के राजभक्तों से संपर्क बनाया और उनसे विचार विमर्श किया। जर्मनी में बिस्मार्क की स्थिति एक दृष्टि से अधिक जटिल थी। वह यह है कि कैवूर को इटली के एकीकरण के लिए दो महान देशभक्तों का खुलकर सहयोग मिला। पहला तो मैजिनी ने अपने लेखों और रचनाओं से इटली के लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना घुट घुट कर भर दी थी। साथ ही गुप्त संस्थाएं भी एकीकरण के लिए सहयोग देती रहीं। गैरी बाल्डी ने अपने तलवार के बल पर सिसिली और नेपल्स को जीतकर सार्डिनिया पिडमोंट के राज्य को दे दिया था। मध्य इटली में भी कई रियासतों ने जनमत द्वारा अपनी सहमति देकर एकीकरण की प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया था और कैवूर के मरने के बाद विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने रोम तथा पोप के अन्य राज्यों को जीतकर इटली का एकीकरण संपन्न किया, जबकि बिस्मार्क को इस प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला। उसे अनेक राज्यों के विरुद्ध और विद्रोह करना पड़ा और उनकी इच्छा के विरुद्ध उन पर बलपूर्वक कार्यवाही करनी पड़ी। धन्यवाद।